दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिशा द ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूं कुवैत में एक मॉल है जिसका नाम है 360 मॉल। आज मैं वहीं पे जाने वाला हूं और अभी फर्स्ट टाइम आज वहां जा रहा हूं। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को मॉल कैसा है, अंदर का व्यू कैसा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं और किस तरह का ये मॉल है, कितना बड़ा है। सारी चीज़ें आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। काफ़ी सुना है इस मॉल के बारे में, तो आज देखते हैं मॉल कैसा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं मॉल के अंदर का और बाहर का क्या सीन है, कैसा है मॉल। तो ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिएगा और मैं अभी पहुंच रहा हूं वहां पे। फिर वहां पे पहुंचने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह का मॉल है। और दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से 360 मॉल पहुँच कर। आ चुके हैं 360 मॉल और दिखाएंगे आप लोगों को मॉल यहाँ पे 360 मॉल कैसा है। ये भी कुवैत में एक अच्छा मॉल है, तो हमें अभी फर्स्ट टाइम मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरे साथ में रोहित भी है। तो अभी हम लोग यहाँ बस से उतरे हैं और अभी देख सकते हैं आप लोग, इधर रोड है और हम लोग इधर रोड पे ब्रिज है, इसको हम लोग पार करके और चलेंगे मॉल और देखते हैं मॉल कैसा है और वहाँ पे कैसा है मॉल अंदर से, और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे ब्लॉग में। आप लोग एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम लोग अभी चल रहे हैं 360 मॉल की तरफ और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ से जो ये ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से हमने रोड क्रॉस किया था और उसके बाद हम लोग इधर से आ रहे हैं। अब ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे ऐसे ही है गार्डन सा, गार्डन तो नहीं कह सकते हैं बट ऐसे ही ओपन एरिया है। यहाँ पे ये सब देखा होगा आप लोगों ने, इसको गांव में ये होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पाइप लगी हुई है इसके नीचे पानी के लिए। और अब यहाँ से हम लोग पैदल चलेंगे और उसके बाद मॉल है, ये काफ़ी बड़ा मॉल है। ये है आपको रोड से इंटरनेशनल टेनिस कॉम्प्लेक्स है, सामने ये जो बिल्डिंग दिखाई देगी ये, और इसके दूसरी साइड में कॉम्प्लेक्स है, मॉल है और ग्रैंड है यार, वहाँ पे हम लोग चलेंगे। और अरेना है, इसी तरह से अलग अलग ये बिल्डिंग्स हैं। तो इसके बैक साइड में आपका जो है 360 मॉल है और ये जो पूरा आपको जो बिल्डिंग वगैरह दिखाई दे रही है ये सब कंबाइंड है। ये सब पूरा आप 360 के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर ही पूरा सारा कुछ ये सब मिक्स है, एक में मिला हुआ है। और ये सारा कुछ अंदर होटल वगैरह सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। और यहाँ से हम ये पैदल ही हम लोग जा रहे हैं यहाँ से और आगे चलेंगे। फिर उसके बाद आगे से हम लोग को वहाँ पर एंट्री गेट मिलेगा अंदर जाने के लिए, इसके कई गेट हैं। गाइस, हम लोग आ चुके हैं 360 मॉल और देख सकते हैं आप लोग अंदर का। दोस्तों, आ चुके हम लोग 360 के अंदर और आप लोग देख सकते हैं पीछे का व्यू कैसा है। और ये मेरे पीछे आप लोग ऊपर की साइड देख रहे हैं, ये एक छत की तरह है, शेड है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अंदर डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह है, आप लोग पीछे भी देख सकते हैं। और इतना ज़्यादा क्राउड वगैरह नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर अंदर चलेंगे, घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर और दिखाते हैं आप लोगों को। Thank you.
दोस्तों जब आप इस मॉल के अंदर आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस मॉल का नाम जो है 360 क्यों है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मॉल के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है एक जिस प्लेस से आप लोग ने स्टार्ट किया है आप उसके अंदर घूमते जाएंगे तो फिर आप वहीं पे आ जाएंगे। मतलब एक राउंड शेप में आपको अंदर ऐसा लगेगा कि आप राउंड राउंड उसके अंदर घूम रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ा है अंदर, और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के अंदर में भी ये इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को अंदर कई जगह पर आप लोगों को डिस्प्ले मिलेगी, राउंड शेप में डिस्प्ले मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए, उस पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलते हैं। देख सकते हैं आप लोगों को ये पूरे जो है मॉल का मैप है, पूरे बिल्डिंग का मैप है, यहाँ पे एक यहाँ पे बनाया हुआ है। दोस्तों ये जो मॉल है काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड के चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह की देख सकते हैं आप लोग, ये एक डीजल ब्रांड है, डीजल का शोरूम है, और इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिस्प्ले में एक जैकेट लगी हुई है, जैकेट है और शू है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका प्राइस। ये जो जैकेट है इसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और एक शूज़ है इसका प्राइस देखिए यहाँ पर लिखा 146 KD ये जैकेट का प्राइस है, और 32 KD जो था वो शूज़ का प्राइस था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी महंगी चीज़ें मिलती हैं। और इसमें बड़े बड़े शोरूम हैं, सब रीबॉक, नाइकी और जितने भी बड़े ब्रांड हैं, प्राडा, गुच्ची और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, आपको सारे ब्रांड इसके अंदर मिल जाएंगे। और देख सकते हैं आप लोग ये जो राउंड शेप में यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई है, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब डिस्प्ले पर चलते रहते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा दोस्तों, ये जो है सीन है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक फाउंटेन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग ये फाउंटेन है, अभी इसमें पानी चल रहा है, और मैं आप लोगों को यहाँ ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखेगा ये पानी किस तरह से ऊपर की साइड जाता है, देखिए अभी हम लोग ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को दिखेगा, देखिए पानी किस तरह से ये स्पीड में ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, फिर ये कुछ टाइम के बाद फिर ऐसे ही ऊपर जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से देखने में।
ये है 360 की लिफ्ट हिटैची। हम आ गए बाहर, ये है पार्किंग एरिया, ये है तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं 360 से बाहर, और अभी हम लोग ये कोल्ड कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया हमने वहाँ अंदर से। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी यहाँ से बस पकड़ेंगे और चलेंगे रूम पे। और आप लोगों ने देखा होगा अंदर से 360 मॉल कैसा है, अंदर से व्यू कैसा है। काफ़ी अच्छा मॉल है और काफ़ी बड़ा है, और अंदर शोरूम भी काफ़ी बड़े बड़े शोरूम हैं। हर ब्रांड आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे, कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं था जो वहाँ पे ना हो। वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बस अभी यहाँ पे वीडियो को हम लोग एंड कर रहे हैं और चल रहे हैं रूम पे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर मेरे पहली बार आए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।